संजना भट्ट और साथ ही साथ बाकी हमारे सभी कंटेस्टेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। आपको बता दूं, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी रियलिटी शोज के सारे कंटेस्टेंट का इंटरव्यू विदेश से लिया गया हो। जी हां, आपको बता दूं, सारे गामा पा के हमारे जितने भी कंटेस्टेंट बचे हुए हैं दोस्तों, उन सबों का एक विदेश से इनका इंटरव्यू लिया गया। और इस इंटरव्यू के दौरान में संजना भट्ट ने अपने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। साथ ही साथ उनकी क्या इच्छाएं थी जो सारे गामा की वजह से उनकी पूरी हुई है, क्या क्या विशेष थी, उन सारी बातों का उन्होंने इस वीडियो के दौरान में अपना खुलासा किया है। साथ ही साथ हमारे बाकी सभी 6 कंटेस्टेंट जो भी हमारे साथ बने हुए हैं अभी तक, उन सबों ने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है। तो आगे ये पूरा इंटरव्यू आप देखिए दोस्तों, जिसमें आप यह जान पाइएगा कि संजना भट्ट और उनके साथ में बाकी हमारे सभी कंटेस्टेंट ने अपनी इच्छाओं का किस तरीके से खुलासा किया है और किस विदेशी इंटरव्यू के द्वारा इन सबों का इंटरव्यू लिया गया है, यह सारा कुछ आप आगे वीडियो में देख पाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सारे गामा पा के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। पहले आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन सारेगामा पा अप अंटिल नाउ? चाइल्डहुड से ही मेरा ड्रीम था कि मैं एक सिंगर बनूं और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाऊं, और जब मैं वहां पे खड़ी हुई तो स्टेज ने मुझे ऐसी वाइब दी, ऐसी एनर्जी दी कि मैंने परफॉर्म किया और मैं सेलेक्ट भी हुई। ऐसे ऐसे लोगों को मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं इनको देखूंगा और उनके सामने अपनी सिंगिंग को करूंगा। जी, सारे गामा पा एक इमोशन है। सीखना बहुत जरूरी है, तो हम बस सीखते जा रहे हैं इस शो के थ्रू, हम बस सीखते जा रहे हैं। म्यूजिक का जो बेस्ट मंच है जी टीवी सारे गामा पा, यहाँ पे गाऊं और सबका दिल जीतूं और मेरा गाना सब लोग सुने, तो ये सपना मेरा पूरा हुआ। स्टेज में जाके गाना गाना, प्रेजेंटेशन करना, अलग एक्सपीरियंस था। How's your experience been? Experience kaisa raha?